हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये क्या है कि डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मैं लिखूँ dy/dx tan इनवर्स x कितना होता है, 1/1 प्लस x2। देखिए, आपको तो पहले जो 10th के बच्चे होते हैं उन्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया जाता है। टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये जितने इनवर्स फंक्शन हैं उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैं सोचा था कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब कि आपको डिफरेंशिएशन को मैं आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। तो पहले हमको मतलब कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पिछले ट्रिग्नोमेट्री की यदि बात करें, जो हम लोग पीछे फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और अदर लेक्चर में देखे हैं, उसमें हम लोगों ने साइन ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। और देखा जाए तो साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी का फार्मूला हम लोग देख चुके थे। सी डी फार्मूला आपको मैं बोला था कि आपको याद कर लेने के लिए, लेकिन चलिए मैं सी डी फार्मूला यहाँ लिख दूंगा। और साइन टू थीटा का फार्मूला मैंने बता दिया था, लेकिन टेन और कॉस, टेन के टर्म में साइन टू थीटा और कॉस थीटा का, टू थीटा का फार्मूला नहीं बताया था मैंने, ठीक है। और यदि ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा का भी टेन के टर्म में मैंने आपको फार्मूला बताया नहीं था, तो ठीक है। तो चलिए, तो मतलब कि टेन के टर्म में और कॉस के टर्म में आपको यदि प्रूफ चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रूफ हम नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। हम मतलब कि प्रूफ देंगे, प्रूफ देंगे चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो हमें लगेगा शॉर्ट शॉर्ट प्रूफ, तो वो तो मैं प्रूफ करा दूंगा। जैसे कि मतलब कि साइन जो सूत्र होता है वो मैं बता दूंगा, कॉस का जो सूत्र होता है, आई मीन ट्रिग्नोमेट्री की, मतलब कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में हम इसकी बात कर रहे हैं, नेपियर समानता की सूत्र की, और त्रिभुज में कोज्या सूत्र की, और प्रक्षेप सूत्र की, जिसको प्रोजेक्शन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम आपको मतलब कि दे देंगे, ठीक है। ये सब का मैं फार्मूला बता, बाकी सब का मैं आपको फार्मूला जल्दी जल्दी में दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जो 10 वाली और 10वीं वाले बच्चे होते हैं, तो उनको तो ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम मतलब कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ देख लेते हैं, फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि यदि हम बोले सी डी फार्मूला एक बार देख लेते हैं, तो सी डी फार्मूला देखिए क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप पहले, चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना आपने देखा था, साइन ए कॉस बी, और या फिर चलिए कोई बात नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये देखा था आपने। साइन ए माइनस बी क्या देखा था आपने, साइन ए माइनस बी क्या देखा था आपने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये देखा था आपने। चलिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कराया था मैं, फिर भी एक बार देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस प्लस साइन प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये दोनों ऐड होगा तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यू टू साइन ए कॉस बी, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह पे आप सी रख दीजिए और ए माइनस बी की जगह पे आप डी रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, अब यदि हम यहाँ से, अब देखिए इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए टू ए हो जाएगा, अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए निकालेंगे यहाँ से, तो सी प्लस डी बाई टू आएगा, ठीक है।
सी प्लस डी बाई टू होगा। यदि हम यहीं से ए प्लस बी और ए माइनस बी था बराबर कितना माने थे, इसकी जगह पे सी माने थे, इसकी जगह पे डी माने हैं, ठीक है, सी और इसकी जगह पे डी। अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ निगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट ऐसे ही किया जाता है बताइए आपको। तो यहाँ से ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जब साइन चेंज करने के बाद ये साइन को भूल जाया जाता है, तो ओरिजिनल जो साइन बनता है वो ये और ये बनता है। तो कितना हो जाएगा देखिए, टू बी इक्वल टू सी और यहाँ पे कितना है माइनस बी, सी माइनस डी, तो बी देखिए कितना आ जाएगा आपका सी माइनस डी बाई टू, बी हो गया आपका सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो आप देखिए इस ए और बी की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, ए और बी की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी को क्या मैंने बोला सी, प्लस साइन ए माइनस बी को मैंने क्या बोला डी, ठीक है। तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा देखिए बी की जगह पे रखेंगे तो कॉस सी माइनस डी बाई टू होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि हम साइन साइन सी माइनस साइन डी का देखेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का, तो देखिए इस बार क्या होने वाला है, इस बार ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, क्योंकि लिए इस बार हम लोग साइन सी माइनस साइन डी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए इन इस बार ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो कितना बचेगा देखिए, तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। सब्ट्रैक्टर में सब्ट्रैक्शन में पहले कॉस आएगा और एडिशन में पहले साइन आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक और देख लें, जैसे हम लोग देखे थे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ठीक है, कितना होता है आपको पता ही है। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ से हम देखेंगे तो ये सॉरी ये माइनस होता है यहाँ पे, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी जो होता है देखिए कितना होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाता है इस कॉस वाले में, साइन ए साइन बी, ठीक है। इसको एक बार ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे देखिए क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस ऐड कर रहे हैं तो कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, देखिए ऐड कर रहे हैं तो यहाँ निगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, टू कॉस ए कॉस बी, दोनों दोनों सेम चीज़ है, टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टू कॉस ए के जगह पे क्या निकाले हैं हम लोग, ए के जगह निकाले हैं सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, और कॉस बी के जगह पे क्या निकाले हैं हम लोग, सी माइनस बी के जगह पे निकाले हैं सी माइनस डी बाई टू, और ए प्लस बी को क्या बोले थे हम लोग, ए प्लस बी को क्या बोले थे सी, तो यहाँ पर देखिए कॉस सी प्लस कॉस बी, ठीक है। चलिए यदि इस बार हम लोग सब ऐड किए थे, इस बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि तो हर जगह पे क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव, पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव, पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव। देखिए इस बार क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, और ये देखिए क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस कॉस माइनस कॉस ए माइनस बी, कितना हो रहा है देखिए कितना हो जाएगा बताइए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना सॉरी हाँ ये इस बार ये दो इस बार ये दोनों सॉरी क्या बोल रहा था मैं, अगले बार एडिशन में ये दोनों कैंसिल हुए थे तो सब्ट्रैक्टर में कौन सा दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो बचेंगे कौन सा, ये वाला, तो जाके देखिए टू साइन माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन रहेगा और माइनस टू साइन ए साइन बी, देखिए कॉस सी हो जाएगा
ये माइनस कॉस डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, बताइए कितना हो जाएगा। माइनस टू साइन ए, एक यानी कि ए यानी कि सी प्लस डी बाई टू, साइन बी यानी कि सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस आता है, यदि आप माइनस साइन के अंदर दे देंगे तो ये डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। तो अब डी माइनस सी बाई टू करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सी माइनस डी ही रहने दीजिए, ठीक है। और आगे याद रखिएगा कॉस में से कॉस जब घटता है तो ये पहले माइनस आ जाता है आगे में, ठीक है। इसको क्योंकि लिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, सी प्लस डी सी माइनस डी सी प्लस डी सी माइनस डी, ठीक है आगे। तो इस तरह से याद रखने में आसानी होती है, जैसे कि आप सी प्लस डी सी माइनस डी सी प्लस डी सी माइनस डी। आपको बस एक चीज़ याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि देखिए देखिए सिंपल, आपको सिंपल क्या याद रखना है कि यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन वाला आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चले हम लोग टेन टू थीटा को देखते हैं। अच्छा टेन टू थीटा हम लोग देख चुके हैं कि कैसे होते हैं, मतलब कि हम लोग पता है कि टेन टू थीटा बराबर क्या होता है, या सॉरी टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। टेन ए टेन बी, तो यहाँ देखिए ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम टेन टू ए रखें, देखिए यहाँ भी ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए प्लस इसको भी ए मान लेते हैं, तो ए प्लस ए कितना हो गया टू ए, तो बी की जगह भी ए रख देना है। तो टेन ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन ए, ये कितना हो जाएगा देखिए, टू टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा टेन ए प्लस बी इतना होता है तो हम लोग देखिए टेन ए प्लस बी कैसे निकालेंगे। यदि ये फार्मूला आपको सपोज डेट आपको ड्राइव करना है तो आपको पता है साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इस तरह से कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये होता है, पता है आपको, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन ए प्लस बी। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए बटे टेन ए प्लस बी हो जाएगा। देखिए यहाँ से साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ से देखिए कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस ए कॉस बी, तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हर यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे किससे, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से। देखिए कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए बटे कॉस ए, तो कितना हो जाएगा टेन ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, टेन साइन बी बटे कॉस बी कितना बचेगा, टेन बी डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ से कॉस बी से कॉस ए कॉस बी जाएगा तो कितना बचेगा, वन माइनस कॉस ए बटे साइन ए बटे कॉस ए कितना हो जाएगा,
10a और साइन बी बटे कॉस बी कितना हो जाएगा 10b। ये किसका फार्मूला है आपका, 10a प्लस बी का, ठीक है, समझ में आया क्या? इसी तरह से देखिए जब आप मतलब कि आपको जब मतलब कि किसको क्या निकालना होगा, मान लीजिए आपको जैसे मैं बोलूँ cos 2 थीटा बराबर, सॉरी cos 2 थीटा का निकालना फार्मूला, तो आपको पता है कि cos a प्लस बी बराबर कितना होता है, देखिए cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। देखिए बी के जगह पे भी ए रख दीजिए, बी के जगह पे भी एक रखेंगे, बी के जगह पे भी ए रखेंगे तो कॉस ए साइन ए साइन ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस ए, कॉस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कॉस 2a बराबर आ रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों तरफ ए वन ऐड कर दीजिए तो 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक काम करते हैं कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, मैंने यहाँ 1 ऐड किया, इधर ही मैंने 1 ऐड कर दिया, देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते बताइए, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए और यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। इसी तरह से इस बार दोनों तरफ से जब आप 1 माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ 1 माइनस कर दिए, यहाँ 1 माइनस कर दिए, तो ये साइन स्क्वायर बचेगा, मतलब कि सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, जब 1 माइनस करेंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा ना, हाँ 1 माइनस करेंगे तो देखिए ऐसे 1 माइनस करेंगे तो कोष्टक लगा रहेगा, कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आया 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए यदि यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे देखिए आधा है उसका a है, यदि यहाँ 4a होगा तो यहाँ 2a होगा, यहाँ 6a होगा तो यहाँ 3a होगा, यहाँ 8a होगा यहाँ तो 4a होगा, यदि यहाँ a होगा तो यहाँ a बाई 2 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा आपने अभी क्या देखा था, आपने अभी क्या देखा था कि cos 2a को लिखा जा सकता है, cos 2a को लिखा सकता है, मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ, बहुत पेज ख़त्म कर रहा हूँ मैं, cos 2a को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, इतना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक फार्मूला ये देखिए, ये फार्मूला तो होता ही है, दूसरा फार्मूला जो होता है कॉस 2 थीटा का या फिर 2a का क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए ऐसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में देखिए कुछ नहीं है, 1 है नीचे में, डिवाइडेड बाई हम 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 की जगह हम क्या लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे क्या करना है आपको, सिंपल कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना है, जब आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1 प्लस कॉस
ठीक है, कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, या कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर ए यदि डिवाइड आएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कॉस साइन स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर डिवाइड आएगा तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिंपल फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है, सारे फार्मूला को प्रूफ कर रहा हूँ मैं, तो चलिए मेरे को लगा था कि टाइम नहीं है तो नहीं प्रूफ करूँगा, फिर भी मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए हमारे हिसाब से लगता है मतलब कि मैंने सारे लगभग फार्मूला बता दिए हैं जो आपको मतलब कि रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इससे ज़्यादा फार्मूला आपको याद ही नहीं करना है। तो आपको क्या फार्मूला याद करना है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ठीक है, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का नहीं बताया मैं, चलिए कोई बात नहीं बता दूंगा, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, है ना, टेन ए माइनस बी, अच्छा टेन ए माइनस का बी का देख लीजिए आप, टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी जो होगा जैसे मैंने प्रूफ किया था पिछले बार टेन ए प्लस बी का, उसी तरह से आप टेन ए माइनस बी का कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल, साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला पता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टेन ए माइनस बी का फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेन ए माइनस बी कितना होता है, देखिए टेन ए माइनस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसी तरह से आपको कॉट कॉट, अच्छा सिंपल है, दी आपको देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कॉट ए बी प्लस बी का फार्मूला चाहिए, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको वन टेन ए प्लस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, वन बटे कॉट ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, इसको इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू, इसको पलटेंगे तो वन माइनस टेन ए टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है। देखिए अब टेन को भी कॉट में टर्म में चेंज कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको यदि टेन को भी आप मतलब कि कॉट के टर्म में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन बटे कॉट ए इंटू वन बटे कॉट बी डिवाइडेड बाई वन बटे कॉट ए माइनस वन बटे कॉट, अच्छा ये क्या था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये पलटेंगे तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, प्लस चला जाएगा, क्योंकि लिए यहाँ मतलब कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से अब ये कॉट ए कॉट भी यहाँ पे आ जाएगा, माइनस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉट ए कॉट बी हो जाएगा, इसको करेंगे तो देखिए कॉट बी माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। इसी तरह से आप मतलब कि कॉट मतलब कि कॉट कॉट ए प्लस बी का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है कॉट, अच्छा ठीक है ठीक है, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पे माइनस की जगह मतलब कि माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ प्लस था, तो यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो ऊपर में क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, प्लस होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊपर में प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट ए प्लस बी में देखिए क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है, ये फार्मूला हो गया।
हमारे हिसाब से बाकी सब मैंने मैंने फार्मूला बता दिया है। और आप साइन टू थीटा में देखिए, साइन टू थीटा का फार्मूला मैंने बता दिया। अच्छा चलिए, साइन टू थीटा का फार्मूला प्रूव करते हैं। तो सबको पता है कि साइन ए प्लस ए कितना होता है, सॉरी साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो बी की जगह पे ए रख दीजिए, तो साइन ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए। तो देखिए दोनों चीज़ सेम है, तो जुड़ जाएगा, तो टू साइन ए कॉस ए इधर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए 2a। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यदि यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे आधा आधा है, यदि यहाँ पर a बाई यदि मान लीजिए 4a होगा तो यहाँ पे 2a 2a हो जाना चाहिए, यदि यहाँ पे 8a है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4a 4a हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यदि देखिए यहाँ पे साइन 2a है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन ए कॉस ए, यदि नीचे में मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप ऊपर नीचे आप कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से डिवाइड करेंगे, देखो कॉस ए सॉरी सॉरी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिए, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिए, तो एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, टू टू टेन ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि तो एक कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस ए बचेगा, तो साइन ए बाई कॉस ए कितना हो जाएगा, टेन ए, तो ये पहले से 2 है तो 2 tan a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए खत्म हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इससे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए जाएगा तो 1 बचेगा प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे फॉर्मूला मैंने लगभग लगभग मतलब कि आपको प्रूफ दे दिए हैं कि कैसे क्या होता है और कैसे मतलब कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं लगभग लगभग, है ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ और फार्मूला है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे फार्मूला जो आपका है, ये फार्मूला देखिए कैसे प्रूफ करना है, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी, ये प्रूफ करना है। देखिए इसमें एक काम कीजिए, आप एक त्रिभुज बना लिए, इसको मैंने बोलता हूँ एंगल ए, इसको बोलता हूँ एंगल बी, और इसको एंगल बोलता हूँ एंगल सी। तो एक काम करते हैं, आसान आसान तरीके से मतलब कि होने के लिए, इसके सामने वाले लेंथ को मैं कितना मान लेता हूँ, लेंथ इसकी कितनी है, सी है, इसके सामने वाले लेंथ को मान लेता हूँ ए है, इसकी जो लेंथ है, और इसकी जो लेंथ है इसको मान लेता हूँ बी है। ऐसा क्यों किया, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं रेंडमली, लेकिन एक मतलब कि याद रखने में आसानी होता है इसलिए, ठीक है, तो फार्मूला याद रखने में आसानी होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया है और जनरली कुछ नहीं किया गया। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ जो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर देखिए इस एंगल में साइन ए में साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसको मान लीजिए लेंथ एल है, ऊपर हाइट एल है, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका हो जाएगा एल बटे कर्ण कितना है आपका देखिए बी है। इसी तरह से यदि यहाँ से यदि आप लंब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका बी साइन ए, ठीक है। इसी तरह से आप जब इस एंगल को लेंगे और जब लंब निकालेंगे, चलिए ठीक है निकाल देता हूँ फिर से, तो यहाँ से साइन बी रखिए, साइन बी रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है एल और कर्ण कितना है आपका ए, तो यहां से फिर से एल निकालेंगे तो हो जाएगा ए साइन बी। देखिए यदि लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, बी साइन ए प्लस ए सॉरी इक्वल टू ए साइन बी। ठीक है, तो
तो यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको आगे, साइन ए डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई ए, और ये हो जाएगा आपका देखिए साइन बी डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लंब डाल लेते हैं, सॉरी इस बार हम लोग ऐसे लंब डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए लंब डाल दिया मैंने, ठीक। जब आप ऐसे लंब डालेंगे तो देखिए ये इसके 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ से आप निकालिए साइन सी, साइन सी, सी के सामने कौन सा, ये ट्रेंगल में देखिए सी के सामने क्या है आपका, अगेन अगेन मान लीजिए इस बार लंब माने थे, बड़ा एल माने थे, इस बार छोटा एल मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा देखिए एल, बटे कर्ण कितना हो जाएगा बी। तो यहाँ से एल निकालेंगे तो हो जाएगा देखिए सी, सॉरी बी साइन सी। अब इस बार देखिए इस यहाँ से निकालेंगे साइन बी इक्वल टू, देखिए इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण ये है पूरा, और ये क्या है आपका लंब है, और ये किस एंगल में कर रहे हैं, इस एंगल में कर रहे हैं। तो साइन बी निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब देखिए क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा एंगल के जो एंगल निकाले उसके सामने वाला, तो ये हो जाएगा एल बटे कर्ण क्या है आपका पूरा सी है, लेंथ है। तो एल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा सी साइन बी, ठीक है। देखिए यदि लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, तो राइट हैंड क्या है बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी। तो यहां से यदि आप निकालेंगे तो देखिए साइन साइन बी बटे बी बराबर हो जाएगा साइन सी बटा सी, ठीक है। साइन साइन बी बटा बी इक्वल टू साइन सी बटा कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए अब देखिए इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों सेम है, तो नॉर्मल बात है ये इसके बराबर होगा। नहीं समझ आया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर, देखिए साइन बी बटा बी बराबर क्या है, साइन सी बटा सी। चलिए प्रूफ हो गया, एक और फार्मूला प्रूफ करते हैं। फार्मूला जो है आपका देखिए कॉस, जैसे कोई एंगल है, इसी में एक बार और ले लेता हूं मैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। इसके सामने वाला लेंथ कितनी है, सी है। इसके सामने वाली लेंथ कितनी है, बी है। इसके सामने वाली लेंथ कितनी है, ए है, ठीक है। तो इस पे यदि हम लंब डाल दें तो ये कितना हो गया देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ से, अच्छा ओके, मान लेते हैं ये लेंथ x है, तो बताइए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, c माइनस एक्स, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है x है। यदि हम टोटल, जैसे मान लीजिए टोटल 10 है और ये 5 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 10 में से 4 आपने घटा दिया तो ये 6 मिल गया, तो c माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें, यदि मान लीजिए आपको cos a पता करना है, cos a पता करना है, तो cos a ठीक, cos a बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा c माइनस एक्स बटे कर्ण, बताइए कितना हो जाएगा, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, इसमें हम बात कर रहे हैं इस एंगल, ठीक है। तो cos a निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है c माइनस एक्स एक्स, और उसके सामने 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कितना है आपका b। ये फार्म आपका इक्वेशन a1 बन गया। अब देखिए इसको मैंने लंब को एल मान लिया, तो देखिए लंब को कैसे लिख सकते हैं, लंब है तो पाइथागोरस थ्योरम से बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस ट्रेंगल में आइए तो कितना हो जाएगा, देखिए लंब का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इस ट्रेंगल में जाएंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
देखिए ये दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस, देखिए इसको खोलेंगे आगे तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर क्या बचेगा बताइए, इधर क्या बचेगा बताइए, कितना बचेगा देखिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप एक्स निकालते हैं तो ए स्क्वायर, चलिए टू सी एक्स टू सी रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा। तो यहाँ से एक्स यदि निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे टू सी। इसको कहाँ उठा के रखना है, इक्वेशन वन में। तो देखिए कॉस ए कितना हो जाएगा आपका, सी माइनस एक्स की वैल्यू बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा बी। देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू सी स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा टू सी बी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो टू सी स्क्वायर में से एक सी स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे टू सी बी। किसी भी ये आपका हो गया कॉस ए। यदि आपको आपकी किसी ट्रेंगल में सभी भुजाएं पता है ए बी सी तो आप ट्रेंगल के किसी भी एंगल का एंगल निकाल सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। लेकिन लेकिन आपको केवल किसी ट्रेंगल का केवल दो ही एंगल पता है और दो भुजाओं की लेंथ पता है तो आप किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया। चलिए अब देखिए हम लोग प्रोजेक्शन जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए कॉस ए निकाले, अदर फार्मूला देखिए, यहाँ से यदि कॉस ए निकाले तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे टू सी बी हुआ, यानी कि ए देखिए ए कॉस ए तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, और इसके जस्ट बगल बगल वाला क्या हो जाता है, देखिए पॉजिटिव हो जाता है, और इसके जस्ट बगल बगल वाला क्या होता है, नीचे होता है। यदि इसी तरह से हम बोले आपको, बताइए आप मेरे को फार्मूला बताइए, कॉस कॉस ए है तो इस बार फार्मूला बताइए कॉस बी। देखिए कॉस बी के बगल बगल वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके सामने वाला घट जाता है, देखिए जो ए होता है यहीं पे ए घट जाता है, तो जो बी होता है यहाँ पे बी घट जाता है, और ये जो दोनों जो होता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉस बी का भी फार्मूला लिख सकते हैं, इसी तरह से आप कॉस सी का भी फार्मूला लिख सकते हैं। कॉस सी को बताइए कैसे लिखेंगे, तो कॉस सी को लिखेंगे तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि जो यहाँ होता है ये घट जाता है और ये दोनों नीचे आ जाता है, तो ये आपका कॉस सी का फार्मूला हो गया। ठीक है, फार्मूला हो गया, इसको पहले मैं साइलेंट मारूं यार अभी फिलहाल। चलिए ठीक है, चलिए प्रक्षेप सूत्र देख लेते हैं, और दो ठो फार्मूला है उसको मैं प्रूव नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, और दो फार्मूला आपको याद कर लीजिए, और फार्मूला यदि प्रूफ चाहिए होगा तो मैं उसको बाद में करा दूंगा, अगले वीडियो में करा दूंगा। तो पहला जो है आपका, एक और प्रूफ कर देता हूँ आपके लिए यदि आप चाहते हैं तो, क्योंकि आप मतलब कि आपको शायद अच्छा ना लगे ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, है ना, ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। सो एक मतलब फार्मूला आप देख लीजिए, एक और मैं प्रूव कर देता हूँ जो ये है, देखिए
क्या है, देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल है, सारे फॉर्मूला ट्रायंगल पे ही प्रूफ है। तो मैंने क्या बोला था, यदि ए है, ये बी है और ये एंगल सी है, तो इससे सामने वाली लेंथ सी होगी, इससे सामने वाली लेंथ बी होगी, इससे सामने वाला लेंथ ए होगा। समझ में आया क्या? अब देखिए यहाँ से यदि ये एक्स है, तो मैंने क्या बोला था, ये सी माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अभी जब इसमें आप साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे तो यहाँ से ये लंब है, तो आपको पता करेंगे, पता बता चुका हूँ, तो लंब कितना आता है आपका, बी साइन ए, ठीक है। और यहाँ से आपका आधार, आधार जो है ये आधार है, यानी कितना आधार है, सी माइनस एक्स, ये जो आएगा यदि आप कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार जो आएगा, देखिए क्या आएगा, बी कॉस ए, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ से c माइनस एक्स हो गया और मेरे को x निकालना है, तो देखिए इसका आधार है, इस त्रिभुज का आधार है ये, तो कितना हो जाएगा, देखिए a cos b, a cos b निकालेंगे, cos b निकाल के देख लीजिएगा तो आपका x की वैल्यू मिलेगी a cos b। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a cos b बराबर b cos a। तो यहाँ से आप c निकालेंगे, सी जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ठीक है। यानी कि आपको ए निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक है। इसी तरह से यदि ए, देखिए सिंपल है, सी को छोड़ दीजिए, सी को भूल गए, बी और ए आ रहा है, ए और बी आ रहा है, बी और सी आएगा, यदि ए को भूल जाते हैं तो बी और सी आएगा और सी और बी आएगा। यदि यहाँ से यदि हम ए ए हो गया बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सी कॉस ए प्लस कितना हो जाएगा बताइए, हाँ ए कॉस सी। ये तीन फार्मूला आपके और प्रूफ हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है जिसको मैं, देखिए प्रूफ नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं LHS RHS को लेकर के प्रूफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए, नहीं तो आप रोने लगेंगे। तो देखिए यहाँ से ये भी देख लीजिए, प्रूफ कर देता हूँ, बी माइनस सी बटे टू इजक्वल टू टेन बी माइनस सी बटे टू इजक्वल टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ये होता है कॉट ए बाई टू, ठीक है। चलिए तो यहाँ से यदि इसको हम लोग प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे, चलिए यदि इसको हमको प्रूफ करना है तो हम किसको, मतलब कि किसी को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग पता है अभी प्रूफ किए हैं, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी, इसको मान लीजिए कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ से, या फिर इसको उल्टा भी रख सकते, लिख सकते हैं, देखिए ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी बराबर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, इस बार हम दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए आपको इस बार कांस्टेंट जो लेता हूँ मैं पी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये पलट जाएगा तो नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ से ए निकालेंगे, कांस्टेंट ले लिया क्योंकि ये सभी बराबर है तो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पी साइन ए, बी निकालेंगे तो पी साइन बी, सी निकालेंगे तो पी साइन सी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, हम लोग देखिए LHS लेके चलेंगे, RHS लेके चलेंगे, LHS लाएंगे। तो देखिए RHS आपका क्या है, देखिए मैं पूरा फार्मूला प्रूव नहीं कर रहा हूँ लेकिन इधर का लेकर के इधर प्रूव करके बता रहा हूँ। तो B कितना है, P साइन B माइनस C कितना है, P साइन C डिवाइडेड बाई B कितना है, P साइन B प्लस C कितना है, P साइन C, और ये कितना है, ये सारी कॉट है, याद रखिएगा कॉट है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट ए बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से
पी से पी कॉमन करके ऊपर नीचे काट लीजिए, कितना बचेगा इसका? साइन बी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाई साइन 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 बी प्लस साइन सी इंटू कॉट ए बाई टू। देखिए साइन ए माइनस सी डी फार्मूला से आपको पता है कि साइन सी एस साइन बी माइनस साइन सी कितना हो जाएगा। देखिए सी डी फार्मूला से टू इसके जगह पे सी है, ये इसके जगह पे डी है, तो कितना होता था? देखिए टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? देखिए टू ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी कि बी माइनस सी बाई टू, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताइए? ये साइन बी प्लस साइन सी कितना हो जाएगा? देखिए टू साइन बी प्लस सी बाई टू, सी डी फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, कॉस बी माइनस सी बाई टू, यहाँ पे कितना था? कॉट ए बाई टू, ठीक है, कॉट ए बाई टू। तो यहां से देखिए, चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए यहां से आगे देखते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि पाई। और कहाँ है? चलिए 180 लिख लेते हैं आपके आसानी के लिए, पाई रेडियन में लेकर नहीं चलूंगा मैं, क्योंकि लिए आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी, ठीक है। यदि मैं ए बाई टू करूँ तो कितना हो जाएगा? ये देखिएगा 90 हो जाएगा माइनस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा ना। मैंने क्या किया, ये आपका ए था, मैंने यहाँ पर ए बाई टू निकाल दिया, तो दोनों तरफ से यहाँ भी दो का डिवाइड कर दिया और यहाँ भी दो का डिवाइड कर दिया, तो 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉट इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये सपोर्टेड इधर पूरा मल्टीप्लाई में है, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में है, बस इसको लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉट 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, देखिए 90 के अबाउट है, 90 के अबाउट है, तो कॉट किस में टेंड हो जाता है? कॉट किस में टेंड हो जाता है? 10 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? बी प्लस सी बाई टू, 10 थीटा हो जाएगा ना, ये कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट बार में, ठीक है। तो 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 10 बी प्लस सी बाई टू है, और इधर में पूरा ये सब था, क्या था आपका? 2 कॉस बी प्लस सी बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो इसके जगह पे आगे क्या लिख सकते हैं? आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, टू कॉस वी प्लस सी बाई टू साइन वी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाई टू साइन वी प्लस सी बाई टू कॉस वी माइनस सी बाई टू, इसको लिख सकते हैं साइन वी प्लस सी बाई टू बटे कॉस वी प्लस सी बाई। देखिए साइन बी प्लस सी बाई टू, यहाँ अच्छा दो से दो तो कैंसिल हो ही रहा है, साइन बी कॉस बी प्लस सी बाई टू, तो देखिए क्या बचेगा इधर, कितना बच रहा है? साइन बी माइनस सी बाई टू, साइन बी माइनस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू, तो साइन बी माइनस सी बाई टू साइन बटे कॉस कितना होता है? 10, तो हो जाएगा 10 बी माइनस सी बाई टू, जो इधर है, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था नहीं प्रूफ कराऊंगा, आपको समझ में नहीं आया, कोई मतलब नहीं निकला मेरा करने का, चलिए कोई बात नहीं। यदि समझ में आ गया है, मुझे पता है आप होशियार हैं, यदि समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे बी माइनस सी बाई टू है, ठीक है। यदि यहाँ पर यदि बी और सी को छोड़ के ए है, और बी माइनस सी है, तो बी और सी से स्टार्ट है,
यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यदि मैं यहीं से बोलूँ, जैसे इस फार्मूले को आप देखिए, यदि इस फार्मूले को बताइए, देखिए मैं क्या हूँ, टेन बी माइनस सी बाई टू, तो मैं बोलूँ नहीं नहीं टेन बी माइनस ए बाई टू, तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए टेन बी माइनस ए बाई टू का हो जाएगा, नहीं समझ आया, चलिए मैं बताता हूँ। टेन बी माइनस सी टू, देखिए यहाँ बी माइनस सी है तो यहाँ पे बी माइनस सी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए बी माइनस सी, यदि सॉरी बी माइनस ए, ये देखिए कितना हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए बाई टू, ए बाई टू बोले तो यहाँ बी और सी था तो ए था, यहाँ पर ए और बी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, समझ आ गया। इसी तरह बाकी सब फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। चलिए देखिए एक और फार्मूला है जो मतलब कि आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी प्रूव करूँगा, तो फार्मूला आपको देखिए लिख देता हूँ, बाकी आपको याद कराने का याद आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए टू बाई बी सी अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ठीक है, तो ये साइन ए का फार्मूला है। आप बोलेंगे एस क्या है, आप बोलेंगे एस क्या है, तो याद रखिएगा आई थिंक आपका जो एस है वेट कीजिएगा, शायद एस जो होता है प्रिम, कौन सा फार्मूला है ये, आई थिंक हमारे साथ लगता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है, कंफर्म नहीं है मुझे, कहाँ से पता चलेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा क्या, प्रूफ कर दूं, आई थिंक चलिए एस जो है आई थिंक यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है, यदि ये यदि इनकरेक्ट होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको करेक्ट कर दूंगा, मेरे को रिमेम्बर नहीं है एक्चुअली, और मेरे पास अभी डाटा भी अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, मैं फार्मूला अवेलेबल है, मतलब कि मेरे को फार्मूला अवेलेबल है और मुझे याद है, तो मेरे दिमाग में अवेलेबल है फार्मूला, तो मेरे पास बुक भी नहीं है, तो आई कॉन्ट टेल यू एट दिस मोमेंट, सो ठीक है। तो यदि मान लीजिए मैं यदि ये गलत बता रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो मैं अगले मतलब कि जब आपको क्वेश्चन कराऊँगा, मतलब कि अगले अगले क्योंकि अगले बार मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो अगले बार में जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा, यदि मैं ये गलत होगा, यदि मान लीजिए ये गलत होगा, तो मैं आपको मतलब कि उसी में बता दूंगा कि ये आपका क्या है, जो a प्लस बी प्लस सी बाई टू है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को जनरली याद नहीं आ रहा है, और तो मैं अभी कुछ इस पर कमेंट नहीं कर सकता ज़्यादा, ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो अभी तो इसी तरह से देखिए साइन b कैसे याद रखेंगे, साइन b कितना होता है, देखिए देखिए साइन a था तो bc था यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी,
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे देखिए साइन सी कितना हो जाएगा, 2/c है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। इसी तरह से देखिए कॉस ए बाई टू का जो फार्मूला है वो कितना है, अंडर रूट एस एस माइनस ए बाई बी सी, कॉस बी बाई टू का जो फार्मूला है एस एस माइनस बी डिवाइडेड बाई सी ए, कॉस सी बाई टू का जो फार्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस सी बाई बटे ए बी, सिंपल है। देखिए ए है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, बी सी आ रहा है और ए घट रहा है, बी है तो बी में सी ए आ रहा है और बी घट रहा है, सी है तो ए बी आ रहा है और सी घट रहा है, ठीक है। तो अच्छा चलिए इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि देखिए ये झंझट जो मैं अगले मतलब कि क्लास के लिए ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप पढ़े होंगे 1 + cos a बराबर कितना होता है, 2 cos² a/2, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप देखिए cos² a/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 + cos a/2 कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा। तो 1 + cos a, तो 1 + cos a की वैल्यू हम लोग देखिए निकाले थे, मैं बता चुका हूँ cos a कितना होता है, पीछे अभी तुरंत बताया हूँ, b² + c² - a² / 2ac, ठीक है। तो ये अभी बता चुका हूँ मैं, तो यहाँ पर रख दीजिए b² + c² - a² / 2ac/2। तो यहाँ से देखिए 2ac + b² + c² - a² / ये 2 2 4 हो जाएगा 4ac, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। चलिए तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए a प्लस कुछ गलत चल, हाँ a माइनस c का होल स्क्वायर जाएगा, ठीक है। c² - a² आई मीन जोड़ी कुछ गलत कर रहा हूँ शायद मैं, a है तो यहाँ पर bc होगा ना जी, ये bc होगा, ये कितना हो जाएगा bc हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा bc हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है देखिए a b² + c² + 2bc, तो कितना हो रहा है b + c का होल स्क्वायर माइनस a² / 4ac, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, b + c, ये देखिए इसको a² - b² तो a + b a - b, तो a + b, तो a की जगह पे कितना है पूरा b + c - a b + c + a, देखिए a² - b² तो a + b a - b, तो a + b a - b डिवाइडेड बाई कितना है 4ac, तो ये कितना हो रहा है आपका cos² a/2, ठीक है। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यदि यहाँ पे b + c, तो ये आपका देखिए ये यदि मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको 4 रहने दीजिए, ये 4ac हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैंने बोला s, इसको क्या मैंने बोला s, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये ऐसे मैं बोला था जनरली, हमको याद नहीं है अभी फिलहाल, अभी मान लीजिए ये s है, कितना है a + b + c/2 को क्या बोला मैंने s बोला, तो देखिए यहाँ से कितना होगा आपका 2s b + c - a/4ac, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए s b + c - a /
2AC, ठीक है, 2AC हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अच्छा अभी देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे मेन मुद्दा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 2 को इसके अंदर ले जाइए। तो S कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये B/2 प्लस C/2 माइनस A/2, ठीक है, यानी कि सिंपल डिवाइड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, AC आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके अंदर चली गई, ठीक है। यदि इसको मैं और आगे सॉल्व करूँ तो S B+C-A/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। इसको आगे करेंगे, देखिए B+C-A/2, अभी B+C को देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, ए को ऊपर नीचे जोड़ देते हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर ए को घटा देते हैं और जोड़ देते हैं एक और ए को। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये एस, ये यहाँ पे कितना था, देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा एस, ये देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, ये कॉस स्क्वायर A/2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा S B+C+A-A, अब पहले से एक माइनस ए है, और डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई AC। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए S, अच्छा देखिए B+C+A/2 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा इसको कर लेते हैं अच्छे से, B+C+A/2 -2A/2, ठीक है। और नीचे में कितना, देखिए हर जगह पे नीचे में क्या है, AC है, याद रखिएगा नीचे में क्या है, AC है। तो इसको आगे प्रूव करते हैं, याद रखिए, देखिए यहाँ से कितना है आपका, देखिए S B+C+A/2 तो कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, S, तो ये हो जाएगा आपका S, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -A डिवाइडेड बाई कितना है, AC है, ठीक है। और ये किसके बराबर था, देखिए कॉस स्क्वायर A/2 के बराबर था, यानी कि कॉस A/2 यदि हम निकालेंगे तो S S माइनस ए डिवाइड बाई AC नहीं होगा जी, BC होगा, शुरू में बोला था B होगा, BC होगा, हर जगह पे क्या है, ये आपको खिचड़ी हो गया। नहीं एक्चुअली मैं इसको सोचा नहीं था प्रूफ कराने के लिए, नहीं तो प्रैक्टिस करके बैठता है सब, मैं किसी को नहीं सोचा था प्रूफ कराने के लिए, मैं सोचा था क्वेश्चन कराऊंगा आज। ये आपका BC, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे जो S है, फार्मूला याद रखिए, डेरिवेशन नहीं समझ आया तो मैं अगले वीडियो में करके अच्छे दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ खिचड़ी पक गया है। यानी कि S क्या है, A+B+C/2 है, याद रखना है S क्या है, A+B+C/2 है, ठीक है। थैंक यू, अगले बार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके क्यूबिक का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।